हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के कुछ एक क्वेश्चंस को जो लगभग नेशनल और स्टेट लेवल के हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप यूपीएससी को ले लो, चाहे आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर लो, या फिर कोई क्लरिकल लेवल के एग्ज़ाम, हर एक एग्ज़ाम में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी चीज़ पे बात करेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर की गई है और विद एक्सप्लेनेशन कवर की हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एथलीट्स फुट इज़ डेंजरस डिजीज़ कॉज्ड बाय, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सी डिजीज़ किससे होती है, क्योंकि जो डिजीज़ होती हैं वो कुछ एक जो सेट ऑफ जैसे फंगस है, फ्लाइज हैं, वायरसेस हैं, विटामिन डिफिशेंसीज हैं, इस तरह के जो कॉजेज होते हैं डिजीज़ के, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। और इनमें से मोस्टली कॉमन क्वेश्चन जो है वो एथलीट्स फुट को लेके काफ़ी बार पूछा जाता है। ये कौन से डिजीज़, किससे ये डिजीज़ होती है, इस डिजीज़ में जो खासकर देखने को मिलता है वो इस तरीके का कुछ देखने को मिलता है, जहाँ पे पैरों के बीच में आपके रैशेस डेवलप हो जाते हैं। तो ये जो डिजीज़ होती है वो फंगल इन्फेक्शन से होती है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है ए, और इसी डिज़ीज़ को टाइनापेडिस भी बोला जाता है। और साथ ही साथ ये आगे टो नेल्स और हाथों तक फैल जाती है। इसको एथलीट्स फुट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये कॉमन, मोस्ट कॉमनली जो ये एथलीट्स में ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ़ द फॉलोइंग डिजीज़ कॉज्ड बाय द वायरस, इनमें से कौन सी डिजीज़ जो है वो वायरस से होती है, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया एंड स्मॉल पॉक्स। और अगर इन तीनों चारों डिजीज़ की बात की जाए, इसमें से टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, ये दो जो डिजीज़ हैं ये बैक्टीरिया बोन डिजीज़ है, और मलेरिया जो होता है वो मच्छर से होता है। एंड अगर हम यहाँ पर स्मॉल पॉक्स की बात करें तो ये एक वायरल डिजीज़ है, बट इससे ये जो एक ये डिज़ीज़ ऐसी है जो अब लगभग एलिमिनेट हो चुकी है। इसे इसकी ग्लोबल इरेडिकेशन 1980s में हो चुकी थी। अब इसका कोई नेचुरल केस देखने को नहीं मिलता है। मोस्टली जो है स्मॉल पॉक्स को चिकन पॉक्स होता है उसके साथ कन्फ्यूज़ किया जाता है। इसको चिकन पॉक्स के साथ आप लोग कन्फ्यूज़ मत करें, स्मॉल पॉक्स एक डिफरेंट डिज़ीज़ है। और ये जो लास्ट इसका जो नेचुरली केस मिला था वो अक्टूबर 1977 में मिला था। और ये कौन से वायरस से होती है, ये दो एक ही वायरस के दो वेरिएंट्स हैं, वायरोला मेजर एंड वायरोला माइनर। ये दोनों जो हैं स्मॉल पॉक्स को कॉज करने वाले वायरसेस होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएच ऑफ लेमन जूस इज एक्सपेक्टेड टू बी, पीएच से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए। पीएच क्या होता है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। पीएच क्या होता है कि एक स्केल रहती है आपके पास, इसमें 0-7 जो है सेंट्रल पॉइंट है और 1 एंड 14 जो है एक्सट्रीम पॉइंट्स रहते हैं। अगर 7 से लेके जो नीचे 1 तक रहते हैं वो उन जिनकी पीएच वैल्यू 1 से 7 रहती है वो एसिडिक कहलाते हैं, और जो 7 से 14 तक रहती है उन्हें बेसिक बोला जाता है। तो इसमें जो जितना ज़्यादा वो 7 से दूर जाएंगे उतनी ज़्यादा ही उनकी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो लेमन जूस को लेके पूछा गया है। लेमन और फ्रूट्स जितने भी रहते हैं वो लगभग उनका जो नेचर रहता है वो एसिडिक नेचर रहता है। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया इक्वल टू 7 दिया गया, नथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड दिया गया है, मोर देन 7, लेस देन 7। तो हमने बात की फ्रूट्स की तो मोस्टली जो होती है वो एसिडिक प्रॉपर्टीज रहती है। तो यहाँ पे जो है वो लेस देन 7 है। यहाँ पे हम कुछ एक चीज़ें और भी देख लेते हैं। लेमन जूस की जो एग्जैक्ट रहती है वो 2.0 रहती है। इसी तरीके से एसिड रेन की अगर हम बात करें तो वो 5 रहती है। मिल्क की अगर बात करें तो 6.6 होती है। एप्पल सोडा इसकी जो है 3.0 रहती है। यूरिन एंड सलाइवा जो ह्यूमन, खासकर ह्यूमन जो हमारी बॉडी में कुछ एक जो चीज़ें हैं उनका जो नेचर है वो मोस्टली जो है वो एसिडिक रहता है। तो थोड़ा सा ब्लड को अगर छोड़ दे, ब्लड का जो बेसिक नेचर है वो न्यूट्रल है, बट थोड़ा सा वो बेसिक साइड्स पे ज़्यादा रहता है। ह्यूमन स्किन, हेयर, नेल्स इनका 5 रहता है। प्योर वाटर जो है वो 7 रहता है, ह्यूमन ब्लड का 7.4 रहता है। सी वाटर जो है वो बेसिक नेचर का है और अराउंड 8 के आसपास उसका देखने को मिलता है। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट इसकी 8.3 है। मिल्क और मैग्नीशिया ये काफ़ी बार पूछा गया है, ये काफ़ी रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 10.5 है, काफ़ी जगह जो है इसके राउंड फिगर में दिया जाता है 11 के आसपास।
तो 11 जो है वो अमोनिया की है और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसकी जो pH वैल्यू है वो 14 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर। ये काफ़ी पूछे जाने वाले क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर और आपके बेकिंग पाउडर, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर ड्रिंकिंग वाटर में क्यों यूज़ किया जाता है, तो ये एक डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का जो नेम है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, CaClO2, और इसमें जो होता है वो क्लोरीन होता है, जो बेसिकली पानी में मौजूद कीटाणुओं को, जैसे कि बैक्टीरिया रहते हैं, वायरसेस रहते हैं, प्रोटोजोन्स रहते हैं, उनको मारने में ये हेल्पफुल रहता है। और इसकी जो काफ़ी कम मात्रा यूज़ की जाती है पानी में, लगभग 1 लीटर पानी में इसकी 4 से 5 मिलीग्राम ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि सॉल्ट ऑफ मिक्स सॉल्ट ऑफ कैल्शियम्स होते हैं, जिस वजह से ये कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है पानी में, इस चीज़ को याद रखिए। और इसका जो मेन रीज़न है वो है इसमें लाइम की जो प्रेजेंस होती है उसकी वजह से ये प्योरली पानी में जो है डिसॉल्व नहीं होता है। वॉशिंग सोडा इज ऑल्सो नोन एज सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और फॉस्फोरस। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो Na2CO3 है। इसको सोडा ऐश और सोडा क्रिस्टल भी बोला जाता है और ये मोनोहाइड्रेट फॉर्म में होता है। ये वाटर सॉल्यूबल है और इसकी जो नेचर है वो बेसिक है और pH वैल्यू जो है वो 11 रहती है। बेकिंग सोडा इज ऑल्सो नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड कार्बन मोनोऑक्साइड और ब्रोमाइड। तो यहाँ पे अगर हम देखें बेकिंग सोडा किस लिए यूज़ होता है, ये खाना बनाने में यूज़ होता है। इसका साइंटिफिक नेम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट है और जो केमिकल कंपाउंड फॉर्मूला है इसका NaHCO3 रहता है। ये भी वाटर सॉल्यूबल है, जो इसकी pH वैल्यू है वो बेसिक है और इसकी pH वैल्यू 9 रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ RBC टू WBC। सबसे पहले देख लेते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, वो है RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। इनमें जो सबसे ज़्यादा रहते हैं वो RBC रहते हैं, फिर प्लेटलेट्स होते हैं, फिर WBC होते हैं। RBC का मेन जो काम होता है वो ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करते हैं और साथ ही साथ पिगमेंटेशन होती है रेड कलर की ब्लड की, वो भी RBC की वजह से ही रहती है। और हमारे ब्लड का 40-45% होता है वो RBC ही होता है ब्लड में, और जिस नंबर में इनको मेजर किया जाता है उसे हीमेटोक्रिट बोला जाता है। और सबसे ज़्यादा जो 600 RBC के लिए एक WBC रहता है, यानी कि एक वाइट ब्लड सेल रहता है, और 440 प्लेटलेट्स होते हैं। और एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में 20 से 30 ट्रिलियन RBCs रहते हैं किसी भी टाइम पे। 70% सेल्स का जो हमारे नंबर रहता है उसका लगभग 70% सिर्फ RBC अकाउंट करते हैं। जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं उनकी लो ऑक्सीजन डिमांड, लो ऑक्सीजन की वजह से उनमें RBCs जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कलर ऑफ यूरिन इज येलो बिकॉज ऑफ यूरोक्रोम, पोटाशियम, एंडोर्फिन और इंसुलिन। तो यहाँ जो इसका राइट ऑप्शन है वो है यूरोक्रोम। यूरिन जो होता है वो पेल येलो कलर का होता है या डीप एम्बर कलर तक उसका अलग अलग जो कलर स्केल रहता है, अगर आपने वो स्केल देखी होगी उसमें थोड़ा अलग अलग स्केल के रहते हैं, या तो आपका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता है या फिर काफ़ी पेल येलो हो जाता है। वो जो पिगमेंटेशन आती है वो यूरोक्रोम की वजह से आती है, इसे यूरोबिलिन भी बोला जाता है। जितना ज़्यादा आप हाइड्रेटेड रहेंगे या जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा आप यूरिन का कलर है वो लाइटर कलर होता जाता है। विच ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, कौन सी ग्लैंड जो है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरीके से बिहेव करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो है अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली जो ग्लैंड है ये है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ही एक ऐसी ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में
जो दोनों तरीके से काम करती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ये कब कब काम करती है? जो पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन रहती है वो, उसका काम क्या है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो रिलीज़ करती हैं उनका एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोला जाता है, जो एंजाइम्स रिलीज़ करती हैं। तो पैनक्रियाटिक एकिनी जो है, अगर आप देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है इसे पैनक्रियाटिक आइसलेट बोला जाता है। ये जो है ये एक्सोक्राइन पार्ट फॉर्म करता है और ये डाइजेस्टिव एंजाइम बनाने में हेल्प करता है। और जो आइसलेट पार्ट होता है एंडोक्राइन की तरह वो फंक्शन करता है, ये हार्मोन बनाता है जो कि इंसुलिन, ग्लूकोजन एंड सोमेटोस्टेटिन रहते हैं। और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट एंडोक्राइन की तरह बिहेव करता है। विच एलिमेंट इज द हाइएस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? फर्स्ट गोल्ड, कॉपर, स्टील, सिल्वर। द राइट ऑप्शन हेयर इज स्टील, नॉट स्टील, इट्स सिल्वर। सिल्वर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वो गोल्ड है, उसके बाद कॉपर है। मोस्टली इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है कि हमारी जितने भी इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होती हैं वो कॉपर की बनी होती हैं, तो इस वजह से उसको लोग कॉपर के साथ कन्फ्यूज़ कर लेते हैं। बट हम जो मैक्सिमम जो हाइएस्ट कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी का, वो सिल्वर ही है। कॉपर इसीलिए यूज़ किया जाता है बिकॉज़ ये रेडिली अवेलेबल है और साथ ही साथ ये सस्ता भी पड़ता है, ये चीप सोर्स है। तो ये जो टेबल है यहाँ पे आपको दिया गया है कि किस तरीके से जो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो डिक्रीजिंग वाइज दिए हैं। सिल्वर सबसे ज़्यादा है, फिर कॉपर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, स्टील है, ब्रास है, ब्रॉन्ज है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेज आर यूज बाय द कॉमन टीवी रिमोट कंट्रोल? रेडियो वेव्स, लेजर्स, इंफ्रारेड वेव्स और अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो राइट ऑप्शन जो है वो इंफ्रारेड वेव्स हैं, उसमें इंफ्रारेड वेव्स रहती हैं। आपने देखा होगा अपने टीवी रिमोट कंट्रोल के आगे एक हल्की सी लाइट जलती है, वो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। आप मोस्टली इन वेव्स को देख नहीं पाते हैं बट उनकी गर्मी को महसूस किया जा सकता है। ये भी जो रहती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ही एक टाइप रहती हैं, जिस तरीके से दूसरी रेडियो वेव्स, यूवी रेज, एक्सरेज और माइक्रोवेव्स रहे हैं, उसी तरीके से ये हैं। ये जो पार्ट हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का भी है और सबसे ज़्यादा यूज होने वाली वेव्स हैं एवरीडे लाइफ में। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स द ड्रम ऑफ फोटोस्टेट मशीन इज मेड ऑफ? जो फोटोस्टेट मशीन है अगर आपने देखी होगी उसमें अंदर एक गोल सा ड्रम सा रहता है, वो जिसके चारों तरफ एक परत लगी रहती है, वो किस चीज़ का बना होता है? तो वो बना रहता है सेलेनियम का। सेलेनियम का क्यों बना होता है? क्योंकि इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है जो कि मतलब इसको इलेक्ट्रिसिटी, कुछ एक केसेस में इलेक्ट्रिसिटी ये अपने आप से जाने देता है और कुछ एक केसेस में ये इलेक्ट्रिसिटी को रोक देता है। वो कौन से केसेस हैं? जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को जाने देता है, और जैसी लाइट बंद हो जाती है वो इलेक्ट्रिसिटी के बहाव को रोक देता है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसे फोटोस्टेट मशीन में यूज़ किया जाता है। विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन? ये हमने पीछे भी अभी पढ़ा, ये जो राइट ऑप्शन है वो इसका है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जब एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन करती है तो वो हार्मोन रिलीज करती है जैसे इंसुलिन, ग्लूकोजन, जो कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है पूरे दिन में। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से जो ये वाला पोर्शन रहता है, ये वाला वो आपका हार्मोन सिक्रीट करता है। विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबेसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबेसिलस ऑरियस, बेसिलस रेडिक्यूल। जैसे ही दूध को जो टेम्परेचर 30-40 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है, उसमें पुरानी दही की डाली जाती है, उस दही में मौजूद लैक्टोबेसिलस जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। उसी वजह से जो है वो दूध में जो लैक्टोज रहता है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, जो कि कर्ड को एक खट्टा सा टेस्ट भी प्रोवाइड करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है लैक्टोबेसिलस एसिडोफाइलस। आंसर राइट ऑप्शन इज बी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।